अच्छा जी, वीडियो शुरू भी कर लिया, एंड भी कर लिया। मतलब कि शुरू की थी सलाम दुआ लिया, हिबा कह रही है अगर किसी बहन भाई नहीं समझ आई तो मैं दस दिंदा वा। तो इन्हें क्या भी नई वीडियो के नाल फिर मिलेंगे। बेटा व्लॉग बनाया नहीं, इतने एंड कर देना। अच्छा जी, तैयारी हो रही है, जा रहे हैं फतेहपुर, अल्लाह खैर करे। तो उस तो बाद जड़ा है ना, यदि तैयारी हो चुकी है, असी अजी करनी है। तो थोड़ा यदि मैं तैयारी दिखाना वा है हिबा दी, तो फिर असी जगड़ा है ना चलते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, चलो अपनी दादी तैयारी दिखाओ अपनी। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे, आमीन। चलें जी, अपने आज के इस ब्लॉग का यहीं पे करते हैं आगाज़। और हिबा हमारी तैयार है, हमारी छोटी सी बेटी। हाँ जी, हिबा ने न्यू शूज़ भी पहन लिए, तैयारी भी कर ली। आज हवा भी बहुत तेज़ चल रही है और अल्लाह खैर करे अभी थोड़ी देर में हम लोग निकलते हैं। मम्मी जी, बच्चे दोनों छोटे तैयारी करके बैठे हैं। इन्होंने मैं कहा भी तुम ना जाओ, तुम दादी जी को रवो, ये मानते नहीं। स्कूल दी बारो तो मोई साहब वो लड़के तैयार होकर बैठे है जान। आसिया हमने मैं एक चीज़ देनी है। अच्छा। इन्होंने हम जड़ा वा ना चौं चौं करनी। चौं चौं तो महाराज जी इन्होंने हम लड़ना। आ वाली जड़ी है ना बर्ड स्प्रे, ये मैं दे देनी हमना। हमना स्कूल जाती है ना फिर लगा लिया करेगी। हाँ जी, हमना दे देनी है तो उन्होंने पसंद है। मेरे को काफ़ी ज़्यादा पई वा। हाँ जी, मैं क्या दे देंगे अगली बार फिर एक दे देनी है। की करनी है तो आ मेरे को जाती है, जो भी कितने जाना हो मेरे को लवा लेंगे। हाँ जी, मैं क्या वैसे पई पई खत्म हो ही जानी है। हाँ जी, ये इस रिपोर्ट पे रख दिए बॉडी स्प्रे, हम ना को दे देंगे। हाँ जी, केड़ी चीज दिया उच्ची दसो। फ्रूम दवा, फ्रूम तो मेरे को है नहीं है बेटा। हम ना बेटिया बेटिया कदी कदी नहीं, तुस्ते मेरे इतने चौके लगा ही लेंदे छोने। तुसी भी ला लियो, तुसी भी ला लियो। वो दे देंगे बेटा, दे देंगे तो इन्हें भी दे देंगे, तुम भी ले ली, तुसी भी ले लियो मेरे सोने बच्चे। जवेदा देख ला फिर जेल सी नहीं देऊंगा मैं, दे ले लवे दे देंगे बेटा, दे देंगे। मोई जैसे गलो शेर आ, वह भोला ही आन, कोई नहीं ओन कोई नहीं, इनू बस स्कूलों छुट्टी हो जाए। मोई स्कूलों छुट्टी हो जाए, कुछ नहीं सानू चाहिए। इदा ही है, सची दसो। चलें जी, अल्लाह का नाम लेते हैं, गाड़ी अंदर करते हैं, सामान रखते हैं, फिर जाएंगे। जी मैं चलिया, फिर दुआ करियो है। चलो बंदे आ जाने दूसरे भी। हाँ जी। ओ भाई उन्होंने भी आ जाना, मतलब इत्थे आउणगे फिर। हाँ जी। ठीक हो गया। हाँ जी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करे, असीं भी जांदे जांदे अल्लाह करे मुड़ जाईए। चलो आ जाओ, अद्धी पोतियां खड़ियां वा। हमना हिबा बराबर आ गई है हमना दे, तुसीं देख लो। कहिंदे सी इहने टिड्डी रहना, ते हुण टिड्डी देख लो हमना दे बराबर आ। देख वाह, तैयारी देख, थोला आमी दा। ये साड़ी थोली है, आ वाली साड़ी थोली है, आ साड़ी भोली है। एक साल होर अम्मी दे बराबर होनी है। चलो अच्छा हो गई तैयारी, बैठो गड्डी च, चलो शाबाश बिस्मिल्ला करो। अम्मी जी नहीं बाबे। अच्छा जी, मैं तो तैयार हो गया वा, देख लो जी। वैसे अम्मी जो फोन करना मैंने। अच्छा अम्मी जी गुस्से, आज मैंने अम्मी ने पचास दफा कि क्या वा, तू जाके फोन नहीं करता तो मैं फोन करना वा। बिल्कुल सच है, नहीं मैं अम्मी तुसी सारे ना कर लेंदे, मैं ता नहीं करदा। गल में परेशानी तो हुंदी आ, अम्मी कहंदे तू तेरी कॉल नहीं आंदी, नहीं तो एक ही है। मैं जी सब तो वाला खबर खुश हुंदा सी, मैं तो गल के आंदा हुंदा सी, मैं तो थप्पड़ लाओ ये याद रहू करूंगा। नहीं एक ही मैंने अगर ना कीती तो कुट पै जानी अम्मी जिन्ना गुस्से च आ। एक ही
ਨਹੀਂ ਅਮੀ ਕਰੂੰਗਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਲ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਗੱਪ ਲਾਉਂਗਾ ਦੁਆ ਕਰਿਓ ਬਸ ਅਸੀਂ ਹਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਈਏ अच्छा जी सभी बहुत ज़्यादा खुश हैं बहुत ज़्यादा खुश हैं। इधर सामान था अम्मी जी इधर आओ आ खोलो आ मेरे आंदे नो मेरा कमरा साफ किया होवे सारा नहीं जी अच्छा अम्मी जी आ दो आ तीन बेबी नू वेलकम सब तो पहले मैं करूंगा मैं नाल गया हुणा ये हर चीज कमरा डेकोरेट कीता होवे ठीक है रेड भी है ते रेड मुझे दे देना नहीं बेटा थोड़ी नहीं नहीं जरूरत थानो जदे थानो उधर बाजार ले जाऊं मैं इथे रखन लगा हूं इथे पए आ अम्मी जी आ इथे पए आ ए मेरे आंदे नू फिर सारा इंतजाम कीता होवे तुसी थोड़े से रहो ठीक है ना कमरा मेरा सारा रेडी होवे आंदे नूं चलो जी ओके अल्लाह हाफिज बैठो भी गड्डियां चल भाभी जी बैठो भाभी चलो जी जुलते पाए बात अभी मंजी लोगों के घर थे अभी चलते हैं हॉस्पिटल मैं तो बैठती हूँ गाड़ी में बाकी सब अभी आएंगे फिर जाएंगे हॉस्पिटल आ गए हैं अभी अंदर ही गया हुआ था वहीं से आया हूँ गाड़ी देखने क्योंकि गाड़ी रश काफ़ी ज़्यादा था अभी तो रश नहीं है अभी डॉक्टर है गई हुई है खाना खाने और यहाँ जाने वाले कुछ डॉक्टर हैं उनसे मैंने फिर रब्ता किया था उन्हें बोला था भाई जल्दी चेकअप हो जाएगा उससे तो अभी जो है ना वो फिर खाना खा के आएंगे तो सबसे पहले वो कह रहे थे कि चेकअप करवा देते हैं तो अभी उन्हीं के इंतज़ार में कि डॉक्टर साहब खाना खा के आ जाएं डॉक्टर शाजिया अस्तार जो हैं तो वो चेक करेंगे अभी वो आएंगे तो फिर जो सूरत हाल हुई आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे फ़िलहाल तो बस दुआ कर रहे हैं सभी मैं इधर हूँ भाई जवेद हैं मोइस है हमारे साथ वो ज़िद करने लग गया था रोने लग गया था कि मैंने साथ ही जाना है और इसके साथ साथ मामी जी हैं भाई जवेद मैं हूँ मामी जी हैं और मोइस हैं हम लोग लेके आए हैं भाभी आसिया को हॉस्पिटल इधर डॉक्टर स्तार के पास तो बस ये वक्त ऐसा होता है इसमें बहुत सी टेंशनें होती हैं बंदे के माइंड में बहुत कुछ चल रहा होता है तो बस दुआ करनी चाहिए दुआ कर रहे हैं सभी अतला खैर का वक्त लेके आए अच्छा टाइम लेके आए तो जो भी सोचती रही आप लोगों को इंशाल्लाह सबसे पहले बताएँगे इंशाल्लाह अभी फ़िलहाल सारा सामान जो है ना वो इधर गाड़ी में ही रखा हुआ है इधर अभी पड़ा है डिग्गी में भी पड़ा है सामान काफ़ी ज़्यादा है फिर जब उतरे हैं ना मैंने कहा यहीं रख लें कुछ सामान कुछ इधर रख दें और भी पड़ा है मेरे कपड़े भी इधर बैक साइड पे पड़े हुए हैं सिर के पीछे और बाकी सामान भी कुछ इधर ही पड़ा हुआ है भाई जवेद ने भी इधर ही रखा हुआ है कुछ कुछ मैंने भी इधर ही रखा हुआ है और भाभी आसिया का कुछ सामान इधर है और कुछ जो है ना वो डिग्गी में पड़ा हुआ है तो हम लोग अपना इंतज़ाम करके आए हैं क्योंकि फिर बार बार आना जाने में काफ़ी टाइम लग जाता है और मुश्किल होती है तो अभी हम लोग तो अपना पूरा इंतज़ाम करके हैं अभी हमारा की भी कॉल आ रही थी बार बार पूछ रही थी तो मैंने कहा अभी डॉक्टर कुछ बताएंगे उसके बाद आपको बताएंगे अगर आपने आना हुआ तो फिर हम लोग इंशाल्लाह रुकेंगे फिर आप लोग आइएगा और अगर डॉक्टर ने हमें अभी घर वापस भेज दिया तो फिर आप ना आइएगा क्योंकि यहाँ से 3-4 किलोमीटर सफ़र है 5 किलोमीटर ही बन जाएगा तो यहाँ से वहाँ से फिर आना जाने में काफ़ी मुश्किल होती है इस वजह से चलें जी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा जैसे ही कोई खुशखबरी या जो भी डॉक्टर ने कहा इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताएंगे इंशाल्लाह तो अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़